दिल्ली में हो रही हिंसा के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने पीस मार्च निकाला है, जो कि कांग्रेस मुख्यालय से चल के 30 जनवरी मार्ग गांधी स्मृति तक जाना था। हालांकि उसको बीच में ही यहां पे दिल्ली पुलिस की तरफ से रोक दिया गया है। इस मार्च में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद हैं। कांग्रेस के और भी शीर्ष नेता मौजूद हैं। इससे पहले आज सुबह कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और उसमें जो प्रस्ताव पास किया गया उसमें दिल्ली में हो रही हिंसा के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को दोषी ठहराया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिजोल्यूशन पढ़ते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तीनों ही जिम्मेदार हैं। इसी बैठक के बाद कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य प्रियंका गांधी ने ये कहा कि जिस तरह से हाल के दिनों में बीजेपी के नेता, खासतौर से कपिल मिश्रा की तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया, वो शर्मनाक है। और इससे भी ज़्यादा उन्होंने कहा कि शर्मनाक ये है कि सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस तरह से बात की और उसके बाद ये वायलेंस, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसका कॉग्निजेंस लिया है। बहुत शर्म की बात है जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, बहुत शर्म की बात है। और शर्म की बात ये भी है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। और उसके बाद देर शाम होते होते ये शांति मार्च निकाला गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिसकी अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। इस मार्च को यहाँ पे रोक दिया गया है जो 30 जनवरी मार्च तक जाना था। सर, कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन है वो भी ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अब आप लोग पीस मार्च में निकले हैं, लेकिन जहाँ तक जाना था उससे पहले दिल्ली पुलिस ने रोक दिया, क्या कहें? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा लगा हुआ था, उसी दरमियान यहाँ पर इस तरह की तनाव की स्थिति बनी। जब यहाँ पर पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत बड़ी तादाद में उपलब्ध थी, ऐसे समय में दिल्ली की सरकार और साथ साथ में केंद्र की सरकार पूरी तरह से दिल्ली की स्थिति पर काबू पाने में नाकामयाब रही। भारत की राजधानी में अगर इस तरह का तनाव बना रहे और भारत की राजनीति में अगर स्थिति सामान्य करने में अगर केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार अगर अपने आप को असमर्थ अगर महसूस करती है या सफल नहीं बन पाती है, तो ये हमारे लिए, ये मुल्क के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये शांति मार्च निकाला गया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिसकी अगुवाई प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं। इस मार्च को यहाँ पे रोक दिया गया है जो 30 जनवरी मार्च तक जाना था। अजय झा, गो न्यूज़।